नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हैं स्पेस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो आपको जरूर जाननी चाहिए। तो शुरू करते हैं पहली अपडेट से, जो है हबल की तरफ से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप सेफ मोड में चला गया था और कारण सामने आया था जायरोस्कोपिक फेलियर। अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, नासा ने फिलहाल इस पर कोई अपडेट नहीं दिया है और इस पर लगातार काम किया जा रहा है। दोस्तों, यहां दूसरी अपडेट भी नासा से ही रिलेटेड है। हबल स्पेस टेलीस्कोप फेलियर के कुछ दिनों बाद ही नासा का चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी भी सेफ मोड में चला गया। नासा के मुताबिक यह 10 अक्टूबर 2018 को सेफ मोड में चला गया था, लेकिन इसे 15 अक्टूबर 2018 को ऑनलाइन सर्विस मोड में डाल दिया गया और अब यह सही से काम कर रहा है। इसमें भी जायरोस्कोप रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गई थी, लेकिन अब यह ऑब्जर्वेटरी पूरी तरह से ऑपरेशनल कंडीशन में है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट है चाइना की तरफ से, जो स्पेस में आर्टिफिशियल मून भेजने की तैयारी कर रहा है। बेसिकली ये आर्टिफिशियल मून्स बड़े बड़े मिरर्स होंगे जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। चाइना की तियानफू न्यू एरिया साइंस सोसाइटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये मिरर्स चंद्रमा से 8 गुना ज्यादा ब्राइट होंगे। चाइना इन मिरर्स का यूज अपनी स्ट्रीट लाइट्स को रिप्लेस करने में करेगा, जिससे ऊर्जा की काफी बचत होगी। ये आइडिया काफी अच्छा है, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज यूज होते हैं उन्हें कहीं और यूज किया जा सकेगा। दोस्तों, चाइना ने इस आर्टिफिशियल मून प्रोजेक्ट को 10 अक्टूबर सन 2018 को एक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस के दौरान अनाउंस किया था। सन 2020 में इसके लिए पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना है और सन 2022 तक 3 और ऐसे ही सैटेलाइट्स स्पेस में भेजे जाएंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि स्पेस में मिरर्स भेजे जा रहे हैं। इससे पहले रशिया भी ज़िमानिया नाम का एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट स्पेस में भेज चुका है। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस यही थे कुछ अपडेट्स, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप स्पेस और साइंस की दुनिया से जुड़े रहें।